मगर टीवी में मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के साथ मैं खाद पंचायत के मुखिया रितेश सिंह के पास आया हूं और यहां पे इस पंचायत में काफी गर्मी का जो अभी चल रहा है दौर और इसमें पानी के पीने का समस्या को लेकर के बहुत इस पंचायत में दिक्कत है और उसके लेकर के ब्लॉक में लेकर बैठक किया गया था और उसको लेकर के मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा काज के मुखिया रितेश सिंह से और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो सर हमें बताइएगा कि आपके इस पंचायत में सर हमें घर भर कर घूम रहे हैं वो जगह पानी का समस्या बहुत काफी है और उसके लेकर के आपका द्वारा वहाँ दिया गया था कल बैठक में बोला गया था बहुत कल के डेट में जो है हमारा प्रखंड कार्यालय में जिला से DPRO साहब आए हुए थे और माननीय विधायक के अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाया गया था, बैठक हुआ था, ये समीक्षा बैठक हुआ था। इसमें निर्णय लिया जा रहा था कि कहाँ कहाँ चापाकल खराब है। पहला प्राथमिकता था चापाकल खराबी पर, जो सरकारी चापाकल हाथी चापाकल है उसको जहाँ जहाँ खराब है उसको एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको बनवाना है। उसमें हम लगभग 13 चापाकल का लिस्ट सौंपे हैं जिसमें 2 चापाकल या 3 चापाकल अभी बना है और बाकी अब तेजी से कार्रवाई चलेगा, सब बनाने की प्रक्रिया चल रहा है। उस पर जो है से हम अपने काज पंचायत के सभी वार्ड सदस्य को भी कहेंगे कि आप लोग जो है जहाँ जहाँ पंचायत में चापाकल बिगड़ा हुआ है आप उसको सूची उपलब्ध कराइए, हम उस पर तुरंत तत्काल कार्रवाई कराते हुए आप PLT को लिख के देंगे, चापाकल बनेगा। पहला प्राथमिकता है पानी पर, पानी को लेकर के कोई जनता की समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो। इसके लिए हम अपने सभी वार्ड सदस्य को भी, एक हमारा ग्रुप चलता है काज जनप्रतिनिधि ग्रुप, उसमें भी हम डाले हैं कि जहाँ जहाँ समस्या है चापाकल का उनको बताइए। और दूसरा कि नल जल से संबंधित हमारा जो है मरम्मती का भी पैसा सभी वार्ड सदस्य को गया था, उसमें जो है नल जल को मरम्मत करना था। लगभग जगह मरम्मत हो चुका है, कहीं कहीं बाकी है, दिक्कत है। वार्ड नंबर 7 में हमको भी दिक्कत है, वहाँ से भी जनता आते हैं पानी की समस्या को लेकर के। वार्ड नंबर 11 से आते हैं, वार्ड नंबर 1 का मेरा कोटगंज महाजली टोला है, वहाँ से भी लोग आते हैं। वहाँ भी जो है सो मरम्मत हुआ था लेकिन वाटर लेवल नीचे जाने के कारण पानी नहीं मिल पा रहा है जनता को। अभी हम उस पर देखते हैं प्याव का व्यवस्था करने का, जो कि ये भी हम लोग को आदेश दिया गया है कि ग्रामीण स्वच्छता समिति के माध्यम से आप उसका पानी का व्यवस्था करें। इस पर हम भी लगे हुए हैं और हम अपने वार्ड सदस्य को भी सबसे आग्रह कर रहे हैं कि जहाँ भी पानी का दिक्कत है बताइए, उस पर टैंकर वैंकर का भी व्यवस्था किया जाएगा। आसाम में DPRO साहब से भी आश्वासन मिला है कि विशेष परिस्थिति में अगर दिक्कत हो तो टैंकर भी आपको मिलेगा। बाद में आते हैं पदाधिकारी लोग, कहीं मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ढुलमुल रवैया अपनाते हैं, समय पर उनका काम नहीं देते हैं, अपने समय का कीमत देते हैं। ये चीज़ हम देखते हैं कर्मचारी लोगों को अपने समय का बहुत वैल्यू देंगे कि हमारे पास समय है, लेकिन एक वही जनता अगर जाए कोई काम से तो बोल देंगे एक घंटा बैठिए एक घंटा रुकिए, आते हैं देखते हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसको लेकर के मैं अपने जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि इस पर आप कार्रवाई करें, अपने जितने भी प्रखंड के कर्मचारी हैं गया जिला का, इस सभी को आप जो है इसको हिदायत करें। जितना महत्व आपके कर्मचारी का, आप सब का जितना समय का महत्व है, उतना ही समय का महत्व एक आम जनता के भी है और उसके उसकी भी समस्या को, समाधान को अपना समस्या समझें और कम समय में, कम से कम टाइम में समाधान को जो है समाधान करें, समस्या का समाधान करें। ये अक्सर देखने को मिलता है, जब भी हम जाते हैं तो देखते हैं हाँ आए तो हैं कर्मचारी साहब बैठा दिए हैं, तो फलाने साहब बैठा दिए हैं, तो फलना कहें कि रुको करते हैं, कहाँ कर रहे हैं, 15 दिन से दौड़ रहे हैं, 20 दिन से दौड़ रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं जिला अधिकारी से मांग करता हूँ कि ऐसे कर्मचारी पर वो एक्शन लें और जनता के काम के लिए, त्वरित काम के लिए, काम करने के लिए उसे सख्त आदेश दें और ख़ास करके गुरुआ प्रखंड के RTPS काउंटर पर खूब जो है से धांधली होता है, ढुलमुल रवैया अपनाया जाता है, दौड़ाया जाता है, परेशान किया जाता है। तो मैं और बार बार मैं कहता हूँ कि देखिए मैं जनता का जो है सेवक हूँ और हमारे जनता को परेशान नहीं करें। अगर वो मेरा नाम लेके आता है कि मुखिया जी, कम से कम मेरा तो वेट को समझिए। इसीलिए हम अपने जनता को जरूर कहते हैं, खैर आप काम लेके जाते हैं तो कहिए कि मुझे मुखिया जी, ऐसे तो आपको वैल्यू देता नहीं है कोई कर्मचारी, तो काज नहीं हमारे नाम पर देते वैल्यू, तो हमारे नाम पर भी कुछ लोग समझते हैं दूत मुखिया मैंने क्या होता है। अरे लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होता है और जनता के हम प्रतिनिधि हैं, उसकी आवाज़ हैं और हमारा जो महत्व है उसको समझिए। लेकिन जो कुर्सी पर बैठ जाते हैं उनको लगता है कि ऑल इन ऑल हम हैं और बाकी सब तो कुछ है ही नहीं, उसका वैल्यू ही नहीं देते।
तो ऐसे लोग पर सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। तेजस्वी यादव जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, उनके अंदर बहुत ऊर्जा है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे लोग पर, पूरे बिहार में ऐसी समस्या आता होगा, वैसे लोग पर कार्रवाई करें। जिला पदाधिकारी महोदय से मैं आग्रह करूंगा कि उस लोग पर कार्रवाई करें। और ख़ास करके मैं गुरुआ विधानसभा के विधायक माननीय विनय कुमार यादव जी, जो गुरुआ का लाल है, गुरुआ का बेटा है, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप कम से कम अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे तमाम कर्मी पर एकदम हिदायत करिए कि इस तरीके का नहीं चलेगा। हमेशा आए दिन मैं देखता हूँ कि जनता प्रखंड परिसर में बेचारा घूम रहा है, मारे फिरे चल रहा है, भूखे है, प्यासे है, अपना काम धाम छोड़ के जाता है, गरीब है, मजदूर। जब विधायक जी की बात आए विनय जी का, तो सर उनका क्षेत्र में जगन्नाथपुर गांव पड़ता है सर, और हमेशा मतलब चाहे जिन्हीं का विधायक हो रहे हों, और हमेशा ये सवाल आया करता है और देखते होंगे भी आप सभी, बहुत सवाल हुआ करता है कि उसमें अभी तक सर रोड का समस्या जो है अभी तक निदान नहीं हो पाया है। बेशक अलग अलग जगहों पर हो गया, लेकिन मेन मुख्य रूप से, और जो है कि प्रत्येक साल एक दो उसमें लाश सर निकलता ही है, चाहे वो डिलीवरी पेशेंट हो, चाहे जैसे भी छोटा सा बीमारी से भी मर जाता है, इसके लिए पर सर क्या संदेश देना चाहते हैं सर? मैं कुछ दिन पहले हमारे गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में रोड का, बहुत जगह रोडों का जो है शिलान्यास हो रहा था, उसमें हम भी थे। माननीय विधायक जी से गुरुआ में जो है, और पत्रकार लोग इस पर पूछताछ कर रहे थे, हम वहाँ थे, बगल विधायक जी के बगल में थे, और हम विधायक जी को इसके बारे में इस पर आवाज़ भी उठाए थे कि विधायक जी जो हमारे पंचायत में जनातपुर गाँव है और खैरी गाँव, उस पर क्या होगा। तो विधायक जी का आश्वासन था कि नहीं रितेश जी, मुखिया जी, सो एकदम जनातपुर पर तो बहुत जल्दी काम होगा, हम लगे हुए हैं उसमें, लेकिन थोड़ा खैरी वाला रोड में दिक्कत है, उस पर भी हो जाएगा। तो हम लोग को तो आश्वासन मिल रहा है सर, आश्वासन तो हमेशा सर जी हाँ, आश्वासन बरसात आ जाती है, फिर बोला जाता है कि बरसात आ गया, बरसात खत्म होगा तब फिर काम लगेगा, और फिर इसी तरह। तो सर हुजूर, ऐसा है कि हम तो सवाल ही कर सकते हैं, काम तो करना है, पदाधिकारी को काम करना है, हमारे से वो माननीय विधायक हैं, तो हम तो आग्रह ही कर सकते हैं, और आग्रह में जो है सो हमें आश्वासन देते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने इस गुरुआ के लाल, इस गुरुआ के बेटा और इस गुरुआ विधानसभा के विधायक जी से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि महोदय, मेरे पंचायत में दो गाँव ऐसा है, जनातपुर खैरी, जिसको निदान कर दीजिए, आपका जय जयकार हो जाएगा। आजादी के बाद ये दो गांव ऐसा पड़ा हुआ है, हमको लगता है कि यही दो गांव बचा हुआ होगा, जहां आज तक रोड नहीं है, आज तक रोड नहीं है। पता ना पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी को नज़र आ गया, लेकिन ये दो गांव से क्यों सौतेला व्यवहार कर रहे हैं ये हमको नहीं पता। लेकिन अब तो सरकार भी मेरा है और विधायक भी हमारे हैं, और हम तो यहाँ का मुखिया है, तो हमारा तो फंड, हमारी इतनी कैपेसिटी तो है नहीं, ग्राम पंचायत का जितना कैपेसिटी नहीं है रोड बनवाते। इसलिए मैं अपने विधायक जी से पुनः आग्रह करता हूँ कि हुजूर, इसको आप एक एक बच्चा के रूप में गोद लीजिए, जैसे एक छोटा बच्चा को प्यार से गोद लिया जाता है, वैसे आप इस जनातपुर खैरी गाँव को गोद लेकर के प्राथमिकता के आधार पर काम सुलटाइए, यही मैं उनसे आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ। चलिए, ये थे कांच पंचायत का मुखिया रितेश सिंह, और अभी अपना जो भी अपना पंचायत का यहाँ का बारे में जो बताने का काम किए, और यहाँ ये भी संदेश दिए कि उच्च पदाधिकारी लोग अगर जब भी अगर सर्वोपरि होते हैं जब पंचायत में मुखिया, तो इनको बातों को भी जरा सुने और गौर से सुने, और मतलब अपना अति पे उतरे, खड़ा उतरे। और ये भी आग्रह किए हैं आप क्षेत्रीय विधायक विनय जी से कि इस दो गाँव पर ज़्यादा फोकस है, और ऐसा लगता है, उम्मीद तो लगता है कि शायद इस बार कर पाएंगे, लेकिन उम्मीद भी बहुत टूटते हुए नजर आता है, क्योंकि हर एक साल मतलब ये बताया जाता है, अब तो दो महीने के बाद जो है कि बरसात भी आने वाली है, अब देखा जाए कि क्या अगर जो उम्मीद इनका जो है अपने पंचायत का, ये दो गाँव का जो आज़ादी के बाद अभी तक एक भी काम मतलब नहीं विकास हुआ है, खास करके चाहे विधानसभा क्षेत्र से हो या मतलब लोकसभा क्षेत्र से में भी आता हो, लेकिन कहीं नहीं हुआ है, तो कहीं उम्मीद लगा रहे थे, देखा कि क्या इनका उम्मीद को जो है कि खड़ा उतार पाएंगे यहाँ क्षेत्रीय विधायक विनय कुमार जी या नहीं। लग रही है मगध टीवी के साथ में, मैं अनिल कुमार।